ये जब से चालान कटा सर, माफी के साथ मैं आपको बताऊं, पंकज सिंह इनका नाम है, ये बनारस के ही है, हमारे चर्च इंस्पेक्टर साहब। सर सर आशीर्वाद दीजिए, पुलिस का आशीर्वाद जिसको मिल गया, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आप जैसे लोगों से कभी मेला पाला ना पड़े। मैं तो सर ठाकुर साहब, हमारे दरोगा जी बनारस से हैं, अभी वो चालान लागू हुआ, एक स्कूटर पे तीन लोग बैठे सर, बाइक मेरी तीन लोग चले आ रहे हैं सर, दरोगा जी ने रोका है। हम कहा है सर, कहे एक गाड़ी पे तीन लोग, उतरो, क्या नाम है? मैंने सोचा कि ठाकुर साहब हैं, हो सकता है राम, बता दूं, मान ही जाए। हम कहे सर हमारा नाम राम है, राम, तुम्हारा नाम राम है, चलो किनारे खड़े हो जाओ। पीछे वो ऋजुराज बैठा था, उससे पूछे तुम्हारा क्या नाम है, तो ये सोच रहा है कि यार पंडित जी ने अगर राम बताया है तो मैं लक्ष्मण बता दूं। सर हमारा नाम लक्ष्मण है। दरोगा जी के माथे पे थोड़ी लकीर है, राम लक्ष्मण, चलो किनारे आओ। तीसरे नंबर पे एक और भक्त था, यहाँ वो हमारा भांगड़ा वाला, कहा तुम्हारा क्या नाम, तो ये सोच रहा है कि राम लक्ष्मण को अगर वनवास हुआ तो राजगद्दी मुझे ही मिलेगी। सर मैं भरत हूँ। दरोगा जी टेंशन में, पूरी अयोध्या बाइक पे घूम रही है, राम लक्ष्मण भरत, कहीं आप लोग अयोध्या से तो नहीं आ रहे हैं? सर बिल्कुल अयोध्या से आ रहे हैं, अब जाएं कहीं रुको, कहीं तुम्हारे पिताजी का नाम दशरथ तो नहीं? हम कहे सर एकदम सही आप पकड़ लिए, आपको कैसे पता? कहे बेटा मैं लंकेश हूँ, अब चलो तुम्हें दर्शन कराता हूँ मैं, तो याद रखना सर आज मुझे सर ने आशीर्वाद दे दिया है कि मेरा पाला कभी नहीं पड़ेगा। ये मत समझना कि महिलाओं को दिमाग नहीं होता है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को दिमाग होता है, ये याद रखिएगा सर। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं। एक थे वो पीछे सरदार जी बैठे, देखो पाजी तुसी आगे आ जाओ यार, ये सरदार जी हमारे ग्रुप की शान है, ये सरदार के लिए ताली बजा दो। वो तो अच्छा है, 12 भी बज चुका है और 12 बजे के बाद ही सरदार का दिमाग खुलता है। एक सरदार अपनी पत्नी के, महिलाओं में दिमाग कैसे होता है सर, एक सरदार जी अपनी पत्नी के साथ विदेश जा रहे थे, विदेश रास्ते में उनका झगड़ा हो गया एक चाइनीज आदमी से। चाइनीज लोगों की खासियत यह होती, थोड़ी दूर में इसे दाढ़ी रख लेते लंबी सी, जैसे कोई अंगूठा लगा के पेमेंट लेके भाग गया, तो पंगा हो गया। वो अंट संट बोल रहा था भारत के बारे में, क्या यार भारत के लोग सब आएंगे होंगे, वहां का हूं। सरदार जी बोले ओए खोतिया शांत। तो दोनों का झगड़ा हो गया, सरदार जी की जो पत्नी थी वो सो रही थी बगल में, उनको कुछ पता नहीं था। तो सरदार जी की उस चाइनीज आदमी से इस बात पे तय हुआ कि चल तू अपने देश के एक शहीद का नाम बता, मेरी दाढ़ी से एक बाल उखाड़, मैं अपने देश के एक शहीद का नाम बताता हूँ, तेरी दाढ़ी से एक बाल उखाड़ता हूँ। सरदार जोश में आया, बोला सरदार भगत सिंह। चाइनीज आदमी था, उसकी दाढ़ी से एक बार टेंओ करके निकाल दिया। वो चाइनीज आदमी बोला हैंचाओ, ये मेरे देश का शहीद था, सरदार जी की दाढ़ी उखाड़ रहा है। अब सरदार जी को साथी आठ सरदार आदमी को कितना याद रहता है, मनमोहन को ये नहीं याद था कि वो प्रधानमंत्री हैं, तीन को सरदारों क्या याद रहेगा यार। किसी ने पूछा सर दो और दो कितने होते, कई होते तो चार ही हैं, एक बार सोनिया जी से कन्फर्म कर लूँ बताऊँ, तो ये होते हैं सरदार। तो सरदार जी कुछ देर सोच रहे हैं, यार मैं तो हार जाऊँगा, इसकी दाढ़ी में कम से कम 100-150 बाल तो हैं ही, और मुझको 7-8 नाम ना, अपनी पत्नी को जगाए हो, सुनती हो, उठबू तुम कुछ मदद करो। पत्नी ने कहा सोने दीजिए 5 मिनट, कहीं नहीं नहीं भारत की इज्जत का सवाल है, मेरी बेइज्जती होने वाली, उठ जाओ। पत्नी उठी, कही क्या बात है? कही ऐसी ऐसी बात है, शहीद का नाम बताना है, उसकी दाढ़ी से बाल के हटो यार। उसकी पत्नी एक बार ऐसे दाढ़ी पकड़ी उखाड़ दी, बोली जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये माताएं होती हैं, इनके दिमाग में क्या क्या, कितना मेहनत का काम है ये। शादीशुदा आदमी रात को 2 बजे भजन गा रहा है, पत्नी घर पे है, वो झोला लेके घूमते रहते हैं, कहे के कलाकार मैं तो कहीं जाता ही नहीं उत्तर प्रदेश छोड़ के, यहाँ से सीधे अपने घर चला जाऊंगा। वो कलाकार झोला लिए घूम रहे हैं, एक हमारे मोहल्ले में कलाकार रहते थे, बहुत बड़े कलाकार, वो रोज झोला लेके पहुंचते थे। मैं पूछता था भैया आज कहाँ से लौटे, कहे आगरा से। आगरा जानते हो? हम कहे नहीं जानते। कभी गए हो? नहीं गए हैं।
आगरा से दूसरे दिन झोला लिए पहुंचे। सर कहां से आ रहे हैं? सिलीगुड़ी जानते हो? सिलीगुड़ी? हम कहे सर नहीं जानते। वहां से लौटे हैं? नहीं जानते। जब देखो तीसरे दिन झोला लिए फिर भाई से अटैची लिए तने पहुंचे हैं। हम कहे सर कहां से? कहे दिल्ली कभी गए हो? दिल्ली जानते हो? हम कहे सर नहीं जानते। कहे नहीं जानते क्यों पूछते? हम कहे सर यहां आओ, यहां आओ। कहे हाँ। हम कहे राम दुलारे को जानते हो? कहे नहीं। हम कहे अपनी पत्नी से जाके पूछो, कभी घर पे भी रहा करो यार।